नमस्कार, मैं मनीष मिस्त्री। स्वागत है आपका मनीष मिस्त्री चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे एलिगेशन पार्ट 6। सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इंट्रोडक्शन क्लास जो मैंने करवाया है एलिगेशन का, उसको ज़रूर देखिए। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो आपको इंट्रोडक्शन क्लास पहले देखना चाहिए, सबसे पहले वो देखना चाहिए। और उसके बाद यदि आपको मैथ आता भी है तो भी आपको इंट्रोडक्शन क्लास ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप नया सीख रहे हों और आपको वो आपको फ़ायदा दे जाए। तो इसलिए आप इंट्रोडक्शन क्लास को पहले देखिएगा, उसके बाद आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से देखिए। क्योंकि पहले मैंने क्वेश्चन का लेवल इजी रखा है और उसके बाद मैंने धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया है। चलिए तो क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 16 रुपये प्रति किलोग्राम चावल 22 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए तो मिश्रण का मूल्य 18 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 16 रुपये प्रति किलोग्राम चावल 22 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य जो है 18 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए, ये भी आपको जो क्वेश्चन है मैंने बनवाया है, तो फिर से आप एक बार रिपीट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अगर बार बार आपको मैं पढ़ाता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि आपको जो भी प्रीवियस चीज़ें हैं वो याद आ जाएँ और वो चीज़ आपको दिमाग में रिटेंशन रहे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे 16 रुपये प्रति किलोग्राम चावल का दाम है, यानी कि क्रय मूल्य उसका 16 रुपये प्रति किलोग्राम है। फिर कह रहा है कि 22 रुपये प्रति किलोग्राम चावल, तो यानी कि 22 रुपये प्रति किलोग्राम उसका क्रय मूल्य हो गया दूसरा का। और आपको अनुपात में मिलाया जाएगा, उसको किस अनुपात के साथ मिलाएंगे कि उसका मूल्य जो होगा 18 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो यानी कि 18 रुपये 50 पैसे जो है वह भी आपका क्रय मूल्य हो गया। दोनों को मिलाने के बाद, दोनों के मिश्रण को मिलाने के बाद आपको मिश्रण का जो मूल्य हो जाएगा 18 रुपये 50 पैसा, यानी क्रय मूल्य हो गया। तो हमने आपको बताया था कि जब क्रय मूल्य आपका सब एक ही हो, अगर पहले पहला भी क्रय मूल्य है, दूसरा भी क्रय मूल्य है, तीसरा भी क्रय मूल्य होना चाहिए। अगर पहला लाभ है तो दूसरा भी लाभ होना चाहिए और तीसरा भी आपको लाभ होना चाहिए। अगर पहला हानि है, दूसरा हानि है, तो तीसरा हानि आपको विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तीनों समान होना चाहिए, मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से यहाँ तीनों समान हुआ, 16 रुपये प्रति किलोग्राम, 22 रुपये प्रति किलोग्राम, और दोनों को मिलाकर 18 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम, तीनों क्रय मूल्य है। तो देखिए, पहला जो बात है वो पहला पॉइंट पे लिख दीजिए, दूसरा जो बात है उसको दूसरा पॉइंट पे लिख दीजिए, और जो कॉमन बात है उसको कॉमन पॉइंट पे लिख दीजिए। तो देखिए, आपको बन गया। अब इसमें से आप 18 रुपये 50 पैसा में से 16 को घटाइएगा तो 2.5 आएगा। उसके बाद 22 में से अगर 18.50 को घटाइएगा तो आपको 3.5 आ जाएगा। और ये आपको निकल गया मात्रा, ये आपको जो निकला यह निकल गया मात्रा, जो आपका है चावल का वह निकल गया। तो ये आपका चावल का जो मात्रा है 3.5 और 2.5 हो गया, ठीक। यानी कहने का मतलब है कि आपका जो 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल है, 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल है उसका 3.5 किलोग्राम मिलाइएगा, और 22 रुपये प्रति किलोग्राम वाला जो चावल है उसका 2.5 किलो आप मिलाइएगा, ठीक। तो आपका यही इसका मतलब हो गया। तो आपको जो मिश्रण का रेट होगा वो 18 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाएगा। और हमेशा ये सीधा देखा जाता है, ये दिमाग में रखिएगा। 0.5 से 0.5 आपका कट गया, 35 बचा और यहाँ 25 बचा, तो यहाँ 7 5 35 हो गया और ये आपको 5 5 25 हो गया, यानी 7:5 के अनुपात में आपको इसको मिलाना है, ठीक। बात समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात और यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए कह रहा था कि 16 रुपये प्रति किलोग्राम चावल 22 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के साथ में किस अनुपात में मिलाया जाए। तो देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो आगे कह रहा है कि मिश्रण का मूल्य 18 रुपये 50 पैसा हो जाए। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास में ये चीज़ बताया हुआ है कि यदि किसी वस्तु को दो गुण के आधार पर दो समूहों में बांटा जाए, किसी समूह को यदि गुण के आधार पर दो भागों में बांटा जाए तो उसमें हम एलिगेशन रूल लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमने एलिगेशन रूल लगाया है। बात समझ में आ गया ना, यही बात है। आप इंट्रोडक्शन क्लास इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ज़रूर देखिए, इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से बताई गई हैं। वहाँ आपको जब समझ लीजिएगा तो आपको कोई भी तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको समझ जाइएगा कि आपको करना क्या है, ठीक। चलिए, प्रश्न है कि एक बेईमान ग्वाला क्रय मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना प्रतिशत पानी मिलाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, एक बेईमान ग्वाला क्रय मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना प्रतिशत पानी मिलाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आप पहले समझिए, क्योंकि देखिए मैंने आपको शायद तीसरे वीडियो में बताया है ये बात
कि आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं वो गलती करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 25% लाभ प्राप्त करना है उसे, तो कितना प्रतिशत पानी मिलाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि 25% पानी को समझ लेते हैं कि 25% अगर पानी मिलाएगा तो 25% लाभ प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इसको बनाने का जो तरीका है वो दूसरा तरीका है, और आंसर भी आपका अलग आएगा। तो देखिए, मैं आपको एक सही तरीका बताऊंगा और एक गलत तरीका बताऊंगा। एक सही तरीका बनाऊंगा जो नॉलेज के लिए है, और एक गलत तरीका बताऊंगा जो आपको एग्जाम पास करने के लिए है। तो देखिए, पहले सही तरीका हम समझते हैं। कह रहा है कि एक बेईमान ग्वाला करैमुल पर दूध बेचने का दावा करता है। कहता है कि ग्वाला कहता है कि मैं दूध लेके आया हूँ 1 रुपया में 1 लीटर, और मैं बेचूंगा भी 1 रुपया में 1 लीटर। कहने का मतलब कि क्रयमूल भी वो 1 रुपया में 1 लीटर, और विक्रय मूल्य भी वो कह रहा है कि मैं 1 रुपया में 1 लीटर, मैं विक्रय मूल्य भी बेचूंगा जब तो 1 रुपया में बेचूंगा, मैंने खरीदूंगा भी 1 रुपया में और बेचूंगा भी 1 रुपया में। यही तो कह रहा है कि एक बेईमान ग्वाला क्रयमूल पर दूध बेचने का दावा करता है। फिर कह रहा है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना प्रतिशत पानी मिलाना पड़ेगा। देखिए, बात यहीं पे आपको पकड़ा जाता है, दिमाग लगा के देखिए। कह रहा है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना प्रतिशत पानी मिलाना पड़ेगा, यानी कि खरीद तो रहा है वो 1 लीटर दूध 1 रुपया में, 1 लीटर तो दूध वो खरीद रहा है 1 रुपया में, लेकिन वह दूध नहीं बेच रहा है। जब 25% लाभ है प्राप्त करना चाहता है, तब वो दूध कहाँ से बेच रहा है, वो तो पानी मिला के बेच रहा है। वो तो पानी ना मिलाएगा, तो पानी मिलाने का मतलब वो 1 लीटर मिश्रण बेच रहा है। वो 1 लीटर क्या कर रहा है, मिश्रण बेच रहा है, और 1 रुपया में बेच रहा है। बात समझ में आ गया? तो यही बात यहाँ पे कह रहा है। और देखिए, जब आपको वह 1 लीटर में मिश्रण बेच रहा है, तो SP हो गया 1 रुपया मिश्रण का, और 1 लीटर दूध का CP हो गया 1 रुपया। तो अब मिश्रण बेचने पर उसको लाभ कितना प्राप्त करना है, 25% लाभ प्राप्त करना है। तो एक काम कीजिए कि जो 25% है उसका होल वैल्यू निकाल दीजिए। तो 25% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा, 25/100, 25% का मतलब बट्टा में 100, तो 25/100, 25 से 100 कटाइएगा, 25 चौके 100, तो 1/4 आ जाएगा। और लाभ है तो जोड़ के ऊपर लिखिएगा, तो हो जाएगा 5/4। ये होल वैल्यू आपको निकल गया। अब आपको क्या करना है कि आपको दिया हुआ है 1 लीटर मिश्रण का SP 1 रुपया। तो 1 लीटर मिश्रण का जब बेचने का दाम दिया हुआ है 1 रुपया है, तो 1 लीटर मिश्रण का आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए, 1 लीटर मिश्रण का क्रय मूल्य निकाल लीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि वो कितना फायदा कमा रहा है पानी मिला के। तो इसलिए आप इसका क्रय मूल्य निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, तो इस तरह से निकाल लीजिए। ये 1 रुपया मैंने बताया है, परसेंट जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है, मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना है। तो 1 रुपया आपको जो है आपका क्या है, 1 रुपया आपका SP दिया हुआ है मिश्रण का, और मिश्रणे का क्रय मूल्य हमको निकालना है। तो इसका होल वैल्यू जो है उसको उलट करके गुना कर दीजिए। उलट दीजिएगा तो ये 5/4 है, तो 4/5 हो गया, यानी 1 × 4/5, तो ये आपको आ गया 4/5 रुपया, यानी 80 पैसा के बराबर आ गया। यानी कहने का मतलब कि मिश्रण का जो क्रय मूल्य हो गया वो 80 पैसा है, आ उस मिश्रण को वो बेच रहा है 1 रुपया में, यानी उसको 20 पैसा का फायदा है। 20 पैसा का क्या है, उसको फायदा है, यानी पानी मिला के वो बेच रहा है। तो यानी कि मिश्रण का जो क्रय मूल्य हो गया वो 80 रुपया हो, 80 पैसा हो गया, और वो बेच रहा है 1 रुपया में, यानी 20 पैसा का फायदा कमा रहा है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि उसमें वो मान लीजिए कि वो जो पानी है और ये दूध है, पानी और दूध है, तो मिल्क को हम M से डिनोट करते हैं, और वाटर को W से डिनोट करते हैं, पानी को W से डिनोट करते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 लीटर दूध का कीमत लिख लेंगे, और 1 लीटर पानी का कीमत लिख लेंगे। तो 1 लीटर मिल्क का कीमत आपको 1 रुपया है, और 1 लीटर वाटर का कीमत, पानी का कीमत आपको 0 रुपया है, क्योंकि बिसलेरी का तो पानी मिला के नहीं ना बेचेगा। तो यानी कि कहने का मतलब कि 1 लीटर पानी का कीमत आपको 0 रुपया है, और दोनों के मिश्रण का जो कीमत है वह आपको 80 पैसा, यानी 4/5 है। तो तीनों आपका क्रय मूल्य हो गया, ये भी क्रय मूल्य हो गया, ये भी क्रय मूल्य हो गया, और ये भी क्रय मूल्य हो गया। तो ये तो हम बताए हैं आपको एलिगेशन में कि इस किस तरह से बनेगा। तो ये आपने बैठा लिया। अब यहाँ से आप क्या कीजिए कि 1 से 4/5 में आप घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो 1/8 आ जाएगा, 1/8 आएगा ना, तो 1/8 आ गया इस तरह से। और यहाँ पे आप क्या कीजिए कि आप यहाँ पे 0 में से 4/5 को घटा दीजिएगा, तो आपको आ जाएगा 4/5, ठीक ना। 4/5 में से 0 को घटाइएगा, सॉरी, तो इस तरह से आपको 4/5 आ गया। अभी 5/5 कटा दीजिए तो 4:1 आ गया, 4:1 आ गया।
अब आपको पूछ कह रहा है कि जो मिल्क जो है उसका अनुपात है 4 लीटर और वाटर का अनुपात कितना है 1 लीटर। यानी हम सीधा सीधा लेते हैं, यानी दूध का अनुपात आपको 4 लीटर है और वाटर का अनुपात आपको 1 लीटर है। अब प्रतिशत आपको निकालना है कि पानी कितना मिलाया, प्रतिशत में निकालना है कि पानी कितना मिलाया, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो मिश्रण हो जाएगा। यानी 4 1 को जोड़े तो मिश्रण, और उसमें पानी कितना है 1 भाग, यानी 5 में न पानी 1 है, 5 में न पानी 1 है, 5 मिश्रण में पानी 1 एक भाग, तो यानी कि 1/5। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना, तो 5 से 100 कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा, 25 100 यानी 20 आ गया, यानी 20% आपको पानी मिला करके वह ग्वाला बेच रहा है। बात समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम गलत रूल से बनाएंगे इसको, और देखिए जो मैं आपको रूल बता रहा हूँ गलत रूल एग्जाम पास करने के लिए है, और ये हमेशा आपका सही होगा, ये हमेशा आपका सही होगा, ये चीज़ दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। तो देखिए आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले यहाँ में देखिए कि 25% आपको लाभ बोला है, तो 25% को आप भिन्न में चेंज कर लीजिए, तो 25% का मतलब बट्टा में 100, तो 25/100 हो गया, 25 से आप 100 कटाइएगा तो 4 बार में कटेगा, तो 1/4 हो गया। तो यहाँ देखिए 1/4 मतलब 1:4, तो यहाँ पे हम 1:4 ना लिखते मिल्क और वाटर का रेशियो, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 4:1, यही आपका इस रूल में गलती है। ठीक, यहाँ होना चाहिए था 1/4, 1:4 होना चाहिए था, लेकिन हमने लिख दिया है 4:1, यानी कि आपको मिल्क अधिक होगा और वाटर कम होगा। अरे ज़्यादा दूधे ना होगा, कम पानी ही ना होगा, तो पानी कम होना चाहिए और मिल्क ज़्यादा होना चाहिए। ये गलती मैंने यहाँ पे किया है, और ये जानबूझ के गलती किया गया है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको बनाना है तो आप इस रूल से बनाइएगा, आपको हमेशा सही होगा। ठीक, तो ये 4 1 को जोड़ दीजिएगा तो दोनों का मिश्रण कितना हो गया अनुपात, मिश्रण का अनुपात हो गया 5, दोनों के मिश्रण का अनुपात हो गया 5। अब पूछ रहा है पानी का प्रतिशत, तो यानी पानी कितना है आपको, 5 पर पानी 1 भाग है, 5 में मिश्रण में पानी कितना है 1, 5 में मिश्रण में पानी का भाग कितना है 1, तो यानी 1/5। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना, तब 5 से 100 कटाइएगा तो 20/25 100, यानी 20% आपको पानी मिलाना पड़ेगा। बात समझ में आ गया, चलिए अब आपको बात तो समझ में आ गया, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जो बच्चे कोचिंग सेंटर वगैरह का फ़ी नहीं पे कर पाते हैं उनको भी फ़ायदा हो और वो भी अपना जॉब प्राप्त कर सकें। चलिए धन्यवाद, अलविदा।